गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट को एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर में कुछ डाउट थे, दो तीन क्वेश्चंस थे जो करने में दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, तो उनके डिमांड पे ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में प्रॉब्लम आ रही है, 8 में प्रॉब्लम आ रही है और 9 में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप क्वेश्चन सेल्फ नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6/13 का मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था सेकंड या थर्ड वीडियो में, फिर भी देख लो। 6/13 का मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होगा -7/16 का। -7/16 का रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, माइनस को आप वहीं रहने दो, फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे, जो 7/16 है हो जाएगा -16/7। ये हो गया रेसिप्रोकल -7/16 का। इसके बाद मल्टीप्लाई किसमें करना है, 6/13 से। 6/13 इंटू -16/7 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 96, -16 का 6 में -96, एंड 13 का 7 में 91। और यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन इसलिए आएगा, आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस क्या होता है, साइन क्या होगा आपका, माइनस। तो आंसर विल बी -96/91। वापस देख लें, 6/13 का मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7। फ्रैक्शन को पलट देंगे। उसके बाद 6/13 का मल्टीप्लाई करेंगे -16/7 में, 16 का इंटू 6 में करेंगे और 13 का इंटू 7 में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -96/91। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में। और प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको अच्छे से पता है, बता चुका हूं मैं फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का। इसके लिए क्या करते हैं, इस 8/9 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, -1/8। क्या होगा ये, 8/9 इंटू 8 और 1 9/8 -9/8। 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, अब यहां क्या बच गया, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। अगर 8/9 का -1/8 में मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, आंसर 1 आए, तो आप क्या बोलोगे, यस 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। और अगर मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आता है, 1 के अलावा कुछ और आता है, तो आप क्या लिखोगे, नो, -8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। यहां पे क्या मिला हमें, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है, सेम, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। तो जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 3/1/3। 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 3/10 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10/3। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला हमें, 1। तो अभी आपको बताया था अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो आप क्या लिखोगे, एस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। तो ये आपके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चंस करने में डाउट्स आए तो आप ऐसे बता दिया करो। अभी एक्सरसाइज अपना कंटिन्यू था, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट था, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।